और रात में भी ना उनके दर्शन आज ही कर लेंगे। और अगर देखते तो चलिए अब चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। तू चलने का फैसला तो कर, दिशाएं बहुत हैं। तू चलने का फैसला तो कर, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत कर, तेरे साथ तेरे माता पिता की दुआएं बहुत हैं। जी हाँ, इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इससे पहले का व्लॉग मैं डाल चुकी हूँ, कुछ क्लिप्स मैंने इसलिए इसमें ऐड भी की हैं स्टार्टिंग में। तो हम गए थे गंगा आरती के बाद यहाँ पर दर्शन करने। ये है मीणा माता मंदिर और बहुत ही खूबसूरत है, तो एक बार इसका पहले सारा अच्छे से दर्शन कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे शिवलिंग हैं, शायद ये 108 थे। और ना एक बड़ा शिवलिंग भी, जैसे महाकाल बाबा का स्वरूप है उस तरीके से एक बहुत बड़ा शिवलिंग, उसको ना उस तरीके से ही उसका श्रृंगार किया जाता है, मतलब नित्य प्रति उसके श्रृंगार को ना बदला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर, और यहाँ के दर्शन करके ना इतना सुकून मिला बहुत। एकदम महाकाल बाबा का जैसा स्वरूप है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगा दर्शन करके, क्योंकि मैं दर्शन कर चुकी हूँ महाकाल के, तो मुझे ना वही बिल्कुल फीलिंग आ रही थी। उस तरीके से ही इनको सजाया गया था। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक भैया थे वो बहुत ही अच्छा गा रहे थे। आगे जो क्लिप है उसमें आप उनकी आवाज़ सुनिए। सच में इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, बड़ा ही मन को सुकून मिला सुनकर। और उसके बाद हम गए ये तुलसी माता मंदिर, क्योंकि कई मंदिर हैं वहाँ पर आसपास ही हैं, तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर गए। इसे भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आप में से कौन कौन पहले बनारस आया हुआ है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ आप देखिए एक चीज़ जो कि बहुत ही हैरान करने वाली है और बहुत खूबसूरत भी है, यहाँ की जो ये दीवारें हैं ना, इन पर जो रामायण के जो अध्याय होते हैं, जो कांड होते हैं, जो जो चीज़ें हैं कि सुंदर कांड है, लंका कांड है, जो भी सारे हैं, किष्किंधा, अरण है, बालकांड, सारे ही ना दीवारों पर लिखे हुए हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो हमने किए इस मंदिर के दर्शन, उसके बाद प्रणाम करके फिर हम लोग निकले यहाँ से। और मंदिर के दर्शन करने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं था, क्योंकि थकान बहुत हो रही थी। और फिर रूम पे आए हम, और उसके बाद भी एक कड़क वाली चाय, जिससे ना थोड़ा सा सुकून मिला। और हम में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम खाना खाने के लिए कहीं रुकें, तो हमने अपने रूम पर ही ऑर्डर कर दिया था, तो बस वहीं से मंगा लिया था जोमेटो से ही। गुड मॉर्निंग, तो अब है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह चाय वगैरह पी के मैं नहा ली हूँ, और बाकी इधर दीदी भी नहा ली है और भाभी वगैरह अभी नहाने गई हुई हैं। तो बस थोड़ी देर में रेडी होके फिर हम लोग निकलेंगे सारनाथ के लिए। और इधर हमारा गुड्डू भी रेडी हो चुका है। कहाँ जा रहे हो साइकिल चला के भाई, सुबह सुबह? रेडी गुड्डू, रेडी। टिया को रेडी करने के बाद फिर हम भी फटाफट से ना एक एक करके रेडी हो गए थे, क्योंकि उसको भी संभालना होता है आजकल ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने लगी है। तो एक तो उसको मतलब लेकर ही बैठा रहता है, लगता है ना कहीं गिर ना जाए। तो बस फिर हम लोग भी फटाफट से रेडी हुए, और उसके बाद चलिए निकलते हैं। अब हम हो चुके हैं रेडी, और टाइम क्या हो रहा है?
9 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे मौसम और इधर दीदी भी रेडी है। टिया टिया देखो दीदी रेडी है। हेलो बोलो। बस चीजू गए हैं नहाने और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। अरे वाह मौसम तो सही है आज। अब कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ नाश्ता उसके बाद चलेंगे। बनारस में ना सुबह सुबह ये सब्जी और पूड़ी मिलती हैं सब जगह, काफ़ी जगह हैं जहाँ पर मिलती हैं, बहुत फेमस हैं। तो बस हम लोग इसी के लिए रुके थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने दही और जलेबी भी टेस्ट की और फिर हम लोग बस निकले। वैसे चाहे भूख लगे या ना लगे लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसा ना नाश्ता देखकर मन कर ही आता है कि थोड़ा सा तो टेस्ट कर ही लिया जाए। और गुड्डू को ना यहाँ पर दही खिलाई थी तो इसको ना बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसके अंदर, तो इसने बड़े आराम से खा ली। और हम लोग आ चुके हैं सारनाथ। तो देखिए यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही हरा भरा, और सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है बुद्धा जी की। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे, अच्छी खासी भीड़ थी। हम जल्दी चले गए थे तो थोड़ी कम थी, लेकिन जिस टाइम हम लोग ना वापस आए उस टाइम तो इतना यहाँ पर जाम लगा हुआ था। हमने सोचा कि चलो ठीक है हम लोग टाइम से वापस आ गए। तो ये देखिए हमने ना एक गाइड ले लिया था, वो हमें सारी चीज़ें बता रहा था। वहाँ पर सब कहने लगे कि गाइड कर लो, तो फिर इसलिए ले लिया था। वो सारी चीज़ें बता रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ के बारे में। बाकी तो जो है सो है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत ही अच्छा हरा भरा सा। और सबसे खूबसूरत तो मुझे ये कमल लगे। ये वो बता रहा था कि वो हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये मतलब इंडिया के नहीं हैं ये कमल, ये बाहर के हैं। हमारे यहाँ का पिंक होता है, ये थोड़ा पर्पल कलर होता है। और यहाँ के दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग गए वहाँ पर ना साड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर, वो हमें दिखाने के लिए ले गए थे कि वहाँ पे किस तरीके से सिल्क की साड़ियाँ तैयार होती हैं। क्योंकि यहाँ ना लगभग हर घर में मशीनें पाई जाती हैं साड़ियाँ बनाने का, वो जो होता है ना करंगा बोलते हैं शायद उसको, जिस पर ताना बाना लगाया जाता है, मतलब धागों को लगाकर साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये अंकल बता रहे थे कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, बनाकर भी इन्होंने दिखाई। सच में है तो बहुत मेहनत का काम, क्योंकि एक एक धागे को इस तरीके से पिरोया जाता है और बनाया जाता है। बनने के बाद तो कोई इसकी मेहनत का शायद अंदाज़ा लगा भी नहीं सकता कि जितनी मेहनत से सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती। और इसके बाद हमने लिए यहाँ से स्टॉल्स, बहुत लाइट वेट लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे ये। और भाई मेहनत भी लगती है सच में इस काम में। और इसके बाद हम लोग आए बाहर, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, गुड्डू को लग रही थी प्यास तो इसे पिलाया पानी। आजकल तो ना हर चीज़ हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती है, जैसे कितनी बड़ी।
और इसके बाद हम लोग गए म्यूज़ियम देखने के लिए। वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था। मैंने फ़ोन देने से पहले एक छोटी सी क्लिप बस रिकॉर्ड की थी आप सबके लिए। तो इस व्लॉग को भी करती हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि अगर आगे कंटिन्यू करूँगी तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा मेरे अगले व्लॉग में। और इससे पहले का अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा। और ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और मज़ेदार सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।